आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए कसी कमर, कई राज्य अधिकारियों के साथ बैठक, सीईसी ने दी जानकारी। राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी को किया याद, बोले पाकिस्तान ने सिर्फ 13 दिन में अपना सिर झुकाया है और अमेरिका का भी। गुजरात के पंचमहल में केमिकल फैक्ट्री में धमाका, दो मजदूरों की हुई मौत। प्रदूषण का परमानेंट इलाज चाहता है सुप्रीम कोर्ट, आयोग को आदेश, लोगों और एक्सपर्ट से सुझाव मांगो। किसानों की घर वापसी के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे खुला, NH24 पर दौड़ने लगी गाड़ियां। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता करक और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। लखीमपुर खीरी में एक कार्यक्रम के दौरान एक पत्रकार ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी से उनके बेटे के बारे में सवाल पूछने थे। पत्रकार के सवाल से अजय मिश्रा टेनी भड़क गए। अब मऊ में भी अजय मिश्रा के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंकने का काम किया। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देकर उनकी बर्खास्त की और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं इस मामले में प्रदर्शन कर रहे दूसरे पत्रकार ने बताया कि सरकार में पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसका लगाव सरकार से है, उसके खिलाफ भी सरकार का इस तरह से रवैया है और सरकार इसमें चुप है। ये पत्रकार बंधुओं द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया गया है, जिसके संबंध में विभिन्न तरह की बातों को लिखित किया है, जिसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित कर दिया जाए। नहीं सुन रही है, चाहे कोई भी मामला हो, हम कह रहे पत्रकारिता का मतलब क्या है आखिर? हम सरकार की कमियों को गिनाएंगे तभी तो वो उसमें सुधार करेंगे। जब पत्रकार सरकार की कमियों को गिनाते हैं तो उनके ऊपर FIR कर दिया जाता है, उनकी बातों को दबाया जाता है। अब बताइए, अब तक ये जो अपराध है इनके खुद के मंत्री, भाजपा के मंत्री ने किया है, या तो कोई यदि सामान्य आदमी किया होता तो अब तक वो जेल में रहता है, उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता। लेकिन ये इनके इनके पार्टी का नेता है, इनके पार्टी का भाजपा का मंत्री है, तो इसको आज के डेट में बचा, उसको तो तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। क्या मांग कर रहे हैं जो भद्रता की है? मांग कर रहे हैं कि उनको तत्काल पहले मंत्री पद से उनको बर्खास्त किया जाए और संबंधित धाराओं में जो उनके ऊपर वो है वो नॉन अवेलेबल उनके ऊपर धाराएं हैं। प्रतापगढ़ में पत्रकारों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा, जहां पत्रकारों द्वारा ज्ञापन सौंपे जाने की जानकारी मिलते ही DM कलेक्ट्रेट मौके से निकल गए। DM की मौजूदगी में प्रतापगढ़ प्रेस एक्सप्रेस के अध्यक्ष व महामंत्री की अगुवाई में SDM को ज्ञापन सौंपा गया। तहसीलों में भी पत्रकारों ने मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, जहां राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी द्वारा लखीमपुर में पत्रकार समेत अन्य पत्रकारों सवाल पूछने से नाराज होकर गाली देने, धमकी देने और मारने के प्रयास और मोबाइल छीन कर के मामले में एक्शन मांगी गई है। बर्खास्त करने के लिए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पत्रकारों का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके लिए संघर्ष किया जाएगा, पूरी तरीके से जन आंदोलन किया जाएगा। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बिल्कुल पत्रकार पूरी तरीके से आंदोलन करेगा और मुकदमा दर्ज कराएगा अजय टेनी के खिलाफ और बर्खास्तगी की मांग करता है कि जल्द से जल्द। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी के लिए पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में औरैया में भी कांग्रेसियों ने तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस दौरान तहसील परिसर में बैठकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया और कहा कि जल्द से जल्द केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को उनके मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए और उनके बेटे को सजा देनी चाहिए। इस दौरान जिलाध्यक्ष समेत कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और टेनी, उनके पुत्र द्वारा लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ाकर जो जघन्य हत्याकांड किया गया था, उसकी
SIT जांच रिपोर्ट में ये साबित हो गया कि वो एक प्लानिंग के तहत घटना की गई, और निश्चित तौर पे जब ये साबित हो गया तो मोदी जी की सरकार उनको बर्खास्त करे, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। और जब तक बर्खास्त नहीं करती है कांग्रेस पार्टी, बर्खास्त कराने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर संघर्ष कर। मिर्जापुर में सॉफ्ट बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन जिला प्रशासन की तरफ से किया गया। इस सॉफ्ट बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। ये प्रतियोगिता नेशनल प्रतियोगिता के रूप में मिर्जापुर में पहली बार आयोजित किया गया। सॉफ्ट बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ जिलाधिकारी प्रवीण लश्कार ने बैटिंग करके किया। दोनों अधिकारियों ने खिलाड़ियों से परिचय जाना और उन्हें बधाई दिया। इस सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिता में देश भर से महिला व पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सेदारी किया है। यह प्रतियोगिता 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगी। यहाँ पर जो है सॉफ्ट बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और ये नेशनल लेवल की प्रतियोगिता है। इसमें कई राज्यों के खिलाड़ी आए हैं और बालक और बालिका वर्ग दोनों में यहाँ पर खिलाड़ी आए हैं। तो ये टूर्नामेंट जो है आज से शुरू होकर के 19 तारीख तक चलेगा। ये चार दिन का टूर्नामेंट है, 16, 17, 18, 19, और उसके हिसाब से मैच शेड्यूल किए गए हैं। मिर्जापुर में इस तरह की प्रतियोगिता का पहली बार आयोजन हुआ है और जहां अन्य राज्यों के खिलाड़ी भी आकर के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उन सभी को मैं अच्छे खेल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो अच्छा खेलें और यहां से जीत करके जाएं। खबर मिर्जापुर से है जहाँ सॉफ्ट बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहाँ पे तमाम लोगों ने शिरकत की। 19 दिसंबर तक चलेगी ये प्रतियोगिता। आपको बता दें कि दोनों अधिकारियों ने खिलाड़ियों से परिचय जाना और उन्हें बधाई दिया। इस सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिता में देश भर से महिला व पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सेदारी किया है। यह प्रतियोगिता 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगी। सोनभद्र में DPRO ऑफिस के बाबू ने फोन पर ग्राम विकास अधिकारी के साथ अभद्रता की और फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया। आपको बता दें कि फेसबुक समेत व्हाट्सएप के तमाम रूपों में बड़ी तेजी से एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि DPRO ऑफिस के बाबू ने पंचायत सेक्रेटरी के लिए फोन पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। ग्राम उत्कर्ष समारोह में प्रधानों और पंचायत सहायकों को सोनभद्र म्योरपुर ब्लॉक से बतौर नोडल अधिकारी लेकर पहुंचे। वाहनों में डीजल भरवाने को लिए फोन करने पर अपशब्दों के बौछार का आरोप लगाया गया। इसको लेकर एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। लखनऊ के कोतवाली PGI में शिकायत भी की गई है, जहां शिकायत में सेक्रेटरी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उससे और अखिलेश दुबे को नोडल अधिकारी बनाकर म्योरपुर ब्लॉक से लखनऊ भेजा गया था। आप भी सुनिए ये वायरल वीडियो। हेलो, हाँ सर, आप बताओ कहाँ हो? यही सर, पार्क में बस वाले बिना डीजल भराए चली नहीं रहे, सब खड़े डीजल भराओ ना। तो सर हमारे पास इतना पैसा रहा, 10,000 रामपुर लगाए दिया, हमारे पास पैसा नहीं बता, तो कैसे करें? सुनो, अरे तो बस एक मिनट, ज्यादा नौटंकी करोगे ना तो तुमको अभी सोनभद्र पहुँचेगा तो आदमी बना देंगे एकदम, 30 लाख मारेंगे फिर। अब तुम सर हमारे पास जो ना मौके पर हमने क्या करें, ज्यादा तुम लोग की रेडियो पर क्या चापलूस बन गए हो, होश में रहो, बता दे रहे हैं हम अपने। फतेहपुर में यूनाइटेड फोरम बैंक ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल पर कर्मचारी गए हैं। हजारों की संख्या में कर्मचारी और अधिकारियों की तरफ से 17 दिसंबर को हड़ताल रहेगी। इसी के साथ पोस्टर पर लिखा गया है कि वो लोग बैंकों के निजीकरण का विरोध करते हैं और प्रतिगामी बैंकिंग सुधारों को लेकर स्लोगन भी लिखे गए हैं। बैंक कर्मचारियों की मांग है, जहां पर 2 दिवसीय हड़ताल पर पहुंचे हैं कर्मचारी, जहां 2 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर ये हड़ताल की जा रही है, जहां हजारों की संख्या में कर्मचारी और अधिकारियों ने हड़ताल की है। फतेहपुर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल पर कर्मचारी गए हैं, जहां हजारों की संख्या में कर्मचारी और अधिकारियों की तरफ से 17 दिसंबर को हड़ताल रहेगी।
और इसी के साथ पोस्टर पर यह भी लिखा गया है कि लोग बैंकों के निजीकरण का विरोध करते हैं। प्रतिगामी बैंकिंग सुधारों को लेकर स्लोगन भी लिखे गए हैं। हम आज इसलिए हड़ताल कर रहे हैं ये कि राष्ट्रीय व्यापी तौर पे हड़ताल है। ये बैंक की जितनी निजीकरण बैंकों को कर रही है सरकार, उसके तहत हम बैंकों को जो बंद किया है निजीकरण के खिलाफ आज स्ट्राइक पे आए हुए हैं और गवर्नमेंट को ये आगाह कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि अगर इन्होंने ये निजीकरण बंद नहीं किया तो ये देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। हम आज इसलिए हड़ताल कर रहे हैं ये कि राष्ट्रीय व्यापी तौर पे हड़ताल है। ये बैंक की जितनी निजीकरण बैंकों को कर रही है सरकार, उसके तहत हम बैंकों को जो बंद किया है निजीकरण के खिलाफ आज स्ट्राइक पे आए हुए हैं और गवर्नमेंट को ये आगाह कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि अगर इन्होंने ये निजीकरण बंद नहीं किया तो ये देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल। बलरामपुर में परिवहन विभाग के परिचालक पद पर फर्जी भर्ती में नियुक्ति के नाम पर अवैध वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को पकड़कर जेल भेज दिया है। वहीं गिरोह के सभी सदस्य परिवहन विभाग में संविदा पर फर्जी नियुक्ति दिलाने के नाम पर अवैध वसूली करते थे, जहां प्रत्येक व्यक्ति से इस गिरोह के सदस्यों ने 1,50,000 रुपए भी ले रखा था। वहीं गिरोह में पकड़े गए सदस्यों के पास से कुछ रचित संविदा नियुक्ति पत्र और पत्र देने वाले दो व्यक्ति तथा अभ्यर्थियों के फोटो लगे कई फॉर्म तथा नियुक्ति पत्र भी बरामद किया गया। इसके साथ साथ अभ्यर्थियों से वसूले गए 1,15,000 भी बरामद किया गया है। आज थाने पे जो रोडवेज में कंडक्टर के लिए जो है बोले थे तो उसके लिए जो है मतलब उसका जो है चेक किए तो फर्जी निकला, उसी मामले में जो है थाने पे आए थे। कितने रुपए ये आधा जो है बोले थे मतलब इसमें मतलब 70-75,000 रुपए ये ज्वाइनिंग लेटर में और आधा जो है ज्वाइनिंग के बाद। वो बोले थे रोडवेज में भर्ती निकला उसके लिए 1,50,000 रुपया मांग रहे थे घूस। हम 65,000 बोले थे, आज 35,000 दिए, 30,000 बोले थे ट्रांसफर करने के लिए। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कुछ व्यक्तियों से कि रोडवेज बलरामपुर के पास दुकान खोलकर किराए पर मकान लेकर फर्जी रोडवेज परिचालक की संविदा पर नियुक्ति काल प्रलोभन दे करके लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। जांच में बात पूरी तरीके से फर्जी पाई गई कि ये परिचालक और ये नियुक्ति और ये कंपनी सभी फर्जी निकली। इस संबंध में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 1,15,000 रुपए कैश और एक सफारी गाड़ी। मऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बुनकर कॉलोनी में कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी यूनियन का महासचिव हूं और मैं ये जो हमारा आंदोलन है ये मुख्य रूप से जब सरकार के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश के हर तबके के तक बैंकिंग सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तब उनकी मंशा ये थी कि जो बैंक जो चंद लोगों के पहुंच में थे वो देश के कोने कोने तक उनको बैंकिंग की सुविधाएं मिले और सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन वहां तक किया जा सके। परंतु अभी की जो सरकार है इसने संसद के शीतकालीन सत्र में दो बैंक। खबर लखनऊ से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रसपा अध्यक्ष और अपने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की। 5 सालों बाद आज राजनीतिक मुलाकात हुई है। इस दौरान दोनों पार्टियों के बीच यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन पर सहमति बन गई है। यह जानकारी खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दी। अखिलेश यादव से मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई है और गठबंधन की बात तय हुई है। अखिलेश के ट्वीट के बाद प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। क्षेत्रीय दलों के साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रहा है और सपा और अन्य सहयोगियों के ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रहा है। 5 साल के कलह के बाद आज 45 मिनट की मुलाकात हुई शिवपाल और अखिलेश के बीच, जिसमें गठबंधन तय हो चुका है और साफ तौर पर कहेंगे कि चाचा और भतीजा एक हो चुके हैं। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। जी अपना नाम बता दें। सुनील यादव।
लक्ष्मी यादव जी, आपको क्या लगता है कि इस बार चाचा और भतीजा अब सो बात एक हुए हैं, तो ये आने वाले चुनाव में कैसा दिखेगा इसका? देखिए, आने वाले समय में ये सत्ता परिवर्तन का समय है और भारतीय जनता पार्टी से हर आदमी परेशान हो चुका है, चाहे मजदूर हो, बेरोजगारी पूरी तरह से फैल चुकी है। शिक्षा की बात करें, शिक्षा बर्बाद हो गई है, रोजगार नहीं है। जो इन्होंने वादे करे थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, उल्टा लोग 2 रोजगार करोड़ों का छिट गया है। महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई की अगर बात करें तो एक नॉर्मल बंदा, एक परिवार में 300-400 एवरेज कमाने वाला बंदा, आज उसके परिवार की स्थिति बहुत ख़राब है, उसके खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी अपनी वाहवाही करने में नहीं थक रहे हैं। किया कोई कुछ नहीं है, ढाके हुई 3 बात रहे इनके, लेकिन आज सत्ता परिवर्तन होना है, ये निश्चित है। चाचा भतीजे का ये साथ होना ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए उपलब्धि है और आज हम सब लोग बहुत खुश हैं कि चाचा भतीजे दोनों एक हुए और हमारे लिए यही सबसे बड़ी जीत। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यकर्ता और पदाधिकारी की मासिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को और तमाम पदाधिकारियों को चुनावी मंत्र दिया। चुनावी मुद्दे को लेकर प्राइम टीवी से ओम प्रकाश राजभर ने खास बातचीत की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुभाषपा के मासिक बैठक में, जहाँ हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। आइए इनसे जानते हैं, आज का जो मासिक बैठक किया गया है इसका क्या उद्देश्य था और आपने अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देके उनके विधानसभा में भेजा? देखिए, ये क्रम हर महीने बैठक होती है पार्टी की और जो संगठन की समीक्षा होती है, कहाँ कमी रह गई उसको दूर करने के लिए, और नेताओं को वहाँ भेजने की तैयारी होती है टीम बना करके कि उसको जो काम अधूरा उसको पूरा कर लिया जाए। आगामी विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर सुभाषपा को टिकट मिलते हुए दिख रहा है, क्या बात हुई आपकी? हमारा मोर्चा 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हम लोग मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, हम लोगों को सीट का कोई झगड़ा नहीं है। हम लोग सब लोग मिलकर 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी मेरे साथ मौजूद थे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जनता का रुख इस बार सुभाषपा के प्रति है और हम 403 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरामैन नीरज के साथ विभांशु, प्राइम टीवी। खबर औरैया से है, जहां बेमानवता को शर्मसार और दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। एक नवजात कन्या को तालाब में फेंककर परिजन चले गए, जहां घटना थाना आयान के क्षेत्र रोशंगपुर की है। अज्ञात नवजात शिशु की तालाब के पानी में शव तैरते देख गांव में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई, जहां नवजात बच्ची के शव को तालाब में पड़े होने की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आयना के गांव रोशनपुर में एक तालाब में कल सुबह जो है एक नवजात बच्ची का अपरिपक्व अवस्था में एक शव बरामद हुआ था, जिसमें तत्काल पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची थी। पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।